समय का लेखा जोखा यानी टाइम कीपिंग रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे से कुछ ज्यादा समय ले रही थी। लेकिन पिछले वर्ष यानी 2020 में पृथ्वी ने हर रोज तय समय से कुछ कम समय में ही ये चक्कर पूरा कर लिया। पृथ्वी के रोटेशन में आई तेजी का क्या असर होगा, ये जानने से पहले आइए टाइम कीपिंग को समझते हैं। समय का लेखा जोखा सटीक बनाए रखना इतना आसान नहीं था। वर्ष 1960 तक ये संभव नहीं हो पाया था, लेकिन पिछले 50 वर्षों से वैज्ञानिक टाइम कीपिंग के लिए आणविक घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आणविक घड़ियां सीजियम या रुबिडियम जैसे परमाणुओं की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज यानी कि प्रतिध्वनि आवृत्तियों का इस्तेमाल कर मिलीसेकंड तक के सटीक समय का पता लगा पाती हैं। कोरोना महामारी में कई महीनों के लॉकडाउन में भले ही आपको लगा हो कि वर्ष 2020 का हर दिन काफी लंबा था, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी ने वर्ष 2020 में एक चक्कर 24 घंटे यानी कि 86,400 सेकंड दिनों के आंकड़ों में 28 दिन केवल 2020 में थे। टाइम कीपर रिकॉर्ड के मुताबिक 19 जुलाई 2020 का दिन 1.4602 मिलीसेकंड्स कम लंबा दर्ज किया गया। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड के दर्ज अब तक के आंकड़ों में ये सबसे छोटा दिन था। 2020 से पहले सबसे छोटा दिन 5 जुलाई 2005 को दर्ज किया गया था, जब पृथ्वी के चक्कर लगाने के समय में 1.0516 मिलीसेकंड्स की कमी आई थी। वर्ष 2020 में ऐसे और भी 28 दिन दर्ज किए गए जो औसत से कम थे। पृथ्वी के रोटेशन में तेजी के कारण अंदाजा लगाया गया है कि दिन में सामान्य से करीब 0.05 मिलीसेकंड छोटे होंगे। अगर इस समय को 2021 के पूरे वर्ष के हिसाब से जोड़ें, तो इसमें 19 मिलीसेकंड की कमी आएगी। हालांकि ये बदलाव आणविक स्तर पर है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद अहम है, खास तौर पर सैटेलाइट्स पर। सैटेलाइट और संचार उपकरण के समय को सोलर टाइम के साथ मिलाकर सटीक रखा जाता है, जिसमें समय का बीतना आकाश में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे में वैश्विक समय को सटीक रखने के लिए इसमें लीप सेकंड जोड़ा या घटाया जाता है। ऐसा पृथ्वी के रोटेशन में तेजी या धीमा होने पर किया जाता है। 1972 से लेकर अब तक कुल 72 लीप सेकंड जोड़े जा चुके हैं, जिसमें आखिरी 31 दिसंबर 2016 को जोड़ा गया था। इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस फ्रांस पृथ्वी के रोटेशन की निगरानी करता है और लीप सेकंड को जोड़ने या घटाने का निर्णय लेता है। फिलहाल वैज्ञानिक मान रहे हैं कि पृथ्वी के रोटेशन में तेजी का कारण चंद्रमा द्वारा खिंचाव, बर्फ के गिरने का स्तर या पहाड़ों का टूटना हो सकता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है।